दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपके इस प्रकार से केवल आप अपना नाम और मोबाइल नंबर से ही अब अपना आधार नंबर किस प्रकार से पता करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपका आधार कार्ड खो गया है, या तो फिर नया आधार कार्ड आपने अप्लाई किया था और अभी तक आपका आधार कार्ड बाय पोस्ट आपके घर के पते पर नहीं आया है, तो इस कंडीशन में आप ऑनलाइन तरीका से अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं, जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन करना है। देन यहाँ पर नजर आता सर्च बार, तो आपको सर्च बार आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है myadhar.uid.gov.in। देन आपको सर्च करना है, उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर पहले ही वेबसाइट नजर आता होगा माई आधार यूआईडी का, तो आपको पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी माई आधार का ऑप्शनल वेबसाइट होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सबको उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आपको डायरेक्टली इस पेज तक आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा रिट्रैप ईआईडी एंड आधार नंबर। यहाँ से आप अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर को भी पता कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना आधार नंबर को भी पता कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पता करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन नजर आता होगा, पहला ऑप्शन नजर आता होगा आधार नंबर का। अगर आप अपना आधार नंबर को ही पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर वाला सिलेक्ट रखने देना है। अदरवाइज अगर आप इनरोलमेंट आईडी नंबर पता करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन आप आधार नंबर ही पता कर लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप इनरोलमेंट आईडी नंबर पता करेंगे देन आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा, तब आपका आधार नंबर पता होगा, ठीक है। लेकिन केवल आपको आधार नंबर ही पता करना है, सिंपल से यहाँ पे आधार नंबर वाले ही सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल आप फिलअप कीजिएगा वही डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, जो डिटेल आपने आधार कार्ड बनाते समय आपने दिया होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको नाम यहाँ पे फिलअप करना है, तो जो भी आपने अपना आधार कार्ड बनाते समय आप अपना नाम दिए थे सेम नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। वर्ड मीनिंग में किसी प्रकार से आपको गलती नहीं फिलअप करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना है, देन जो भी अपने आधार कार्ड बनाते समय आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया था दोनों में से कोई एक आपको फिलअप करना है। तो आपने मोबाइल नंबर दिया था मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए, या फिर ईमेल आईडी दिए होंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सेंड ओटीपी, तो आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नजर आता होगा योर आधार नंबर, तो जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसका यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 4 डिजिट ही नजर आ रहा है, लेकिन तो यहाँ पे 4 डिजिट तो आपको पता नहीं करना, पूरा का पूरा 12 डिजिट ही आधार नंबर आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ आता होगा इज सेंड टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो जो भी अभी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप किए हैं, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर पूरा का पूरा जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो सेंड कर दिया जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर मेरे एसएमएस में आ चुका है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं आपको लगा दे रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। जब आपका आधार नंबर पता हो जाता है तो अपना आधार कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोबारा से आपको होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे देखने जाए तो डाउनलोड आधार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आधार नंबर जो 12 डिजिट का वो सेंड किया गया है वो आधार नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके सेंड ओटीपी क्लिक करके आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके फाइनली आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।